कोई ऐसी मुस्कुराहट की बात हुई, मतलब सारे आड़ू जैसा मुंह बना के फिर रहे थे, तेरी शक्ल देख के मुंह आड़ू जैसा हो जाए। माशाल्लाह सारों को मेरी शक्ल पे इतराज है बेटा, कद खुद भी शीशा देख लिया करो। हाँ जी, वो सारे शीशों में तरेड़े तेरी वजह से आई है। अरे एक बात बताऊं भाई, जो तेरा थोड़ा बहुत सोना सोना जो तेरा शक्ल से ना थोड़ी थोड़ी जो मेरा रिश्कारा पड़ रहा है। अच्छा भाई रिश्कारे, अब ये बताओ आगे रमजान शरीफ आ रहा है, मुझे ये बताओ कि कोई काम शाम करना है कि तुमने नहीं करना है, ये वेले फिर मैं रोजा में कौन काम करे था रोजा में कुछ के। नहीं 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 नहीं, अब जो उसके भाई ईद आनी है रोजों में काम करो, तो ऐसे कर तुझे मैं खजूरें लगवा दूं उसके मैंने अंदर खजूरा, बाद में गिट के पढ़ता नहीं हो खजूरा बेचूंगा के पढ़ूंगा। नहीं नहीं, जब ये फौत होगा तब पढ़ लियो। तुम लोग सिर्फ खाने के वास्ते इस घर में आए हो भाई। बात ये है कि जब रोजा रखा रोजा रखेगा उस टाइम मैंने वो बनवा के दिए गुड़ में ना, पतला पतला गुड़ का पानी और उसमें सिवैया डूबी हुई ना वो रखवा दी, फिर सुरड़ सुरड़ करके। नहीं नहीं नहीं, सुरड़ सुरड़ नहीं करते, ये अदब में के जुमरे में को नहीं आवा ये बात, तो सुरड़ सुरड़ लग को नहीं यार है सुरड़ लोगों के सामने वो कहते आवाज आए तो ये बंदे को तमीज को नहीं। किस तरह करिए मैंने पूछा कितना प्यारी लग रही है, तो गाना गाओ कोई। ओए इस घर को घर ही रहने तो तुम यार, वो भी तो देखना अंजमन बन के आई है। अरे काम में झुमका, चाल में झुमका, अरे चाल में झुमका, अरे वही बात। मुझे आपसे बात करनी है बड़ी जरूरी। चल जाओ भाई, तेरी बात से बात करनी है। देखा ये कोई हमारे खिलाफ बात हो रही है, ताओ चार हर बात अपने खिलाफ मत ले लिया करो। तू फादमी बात करनी हो ऐसे भीतर चले जाओ, भीतर नहीं जाते। हां तो हां तो नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ अंदर, तफा हो जाओ कहीं। चल चले जाओ, बिक जाए करो कहीं, चल बाहर जाना रे। चल मास्क बेच के भी बंदा गुजारा कर लेता है। सही तै मास में बेचे तै भैंसा वाले चीकू बेचे, चीकू मैसा बचाया करे चीकू बदतमीज। जब भी तू हंसके मेरे साथ बोले ना तो मन लगे कि आज मेरे 5-6 हजार की ठोक गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी जान। अच्छा और कोई की बात करनी जान? वो मैं कह रही थी हम अलग घर ले ले जहाँ सिर्फ हम दोनों। अभी मुझे आपसे कितनी बातें करनी होती, कितनी लाड करनी होती, कितना मेरा दिल चाह रहा होता है कि हम जैसे फिल्मों में लड़का लड़की बस वो गाने गाते हैं फिरते हैं घूमते हैं, मैं कैसे करूं? पर यहाँ देखे ना कि आपके भाई देखे ना हर मगर कोई भी अपनी प्राइवेसी की बात ही नहीं हो सकती। फिल्मों की बात फिल्मों की हद तक हुआ है, वो आम जिंदगी में घरों में ऐसे नहीं होता। आगे एक दफा तुझे पता है कि मैंने वो शाहरुख वाली फिल्म देखी थी, तो उसमें जब शाहरुख हथौड़ी शाहरुख को लगी तो उसने यूँ किया तो काजल ने वो उसकी उंगली चूसनी शुरू कर दी थी। वो एक दिन मैंने कील ठोक के मैंने भी हाथ पे उंगली वो जब हथौड़ी लगी तो तूने का और पंगे थे, तेरा भी फर्ज बढ़ता था कि यूँ करती तू तो गंदे हाथ कैसे मैं चूस लेती। देख बात सुन, इतनी जल्दी घर लैदा को नहीं होता, ये आस्ता आस्ता रिश्तेदार चले जाएंगे, अभी तो आप अकेले ही हैं, लेकिन लोग इकट्ठे रह के एक जिंदगी बढ़ती है, घर इकट्ठे रहने से बरकत पड़ती है। ये सारे देखो पहले देखो मैं कुछ भी पहनती हूँ, आपके भाई कभी कोई कमेंट करते हैं कभी कुछ कहते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। देखो तन्हा रह के भी तो अच्छा, चलो मैंने एक 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 थोड़ा सा मौका तो देनी, एक दिन को मौका तो दे, मैंने सोचन तो देनी। ठीक है जान आप सोच लें। देखो वैसे माँ बाप तो तेरा मेरा है ही को नहीं, और तेरा बहन भी तो मैं आ जाए तो मैं कभी इतराज को नहीं करूँ, अगर मेरा बहन भाई आ जाए तो तन्ने भी इतराज को नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी आते हैं, हर वक्त थोड़ी रहते मेरे पास। नहीं आते हैं तो फिर तो 1.5-1.5 साल रह के जाते हैं जब तक मेरा कुंडा ना हो जाए।
मैं जब तक किसी का मोहताज ना हो जाऊं। मैं एक जरा दोस्त से मिलन जाना है। अच्छा बना वो बता कि तू किधर जा रही? मैं बाजार जा रही थी, जरा थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मैंने। कितनी चीजें पड़ी है जान, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अब मैं बोर हो जाती हूँ घर में, थोड़ी सी शॉपिंग का भी हक नहीं है मेरा क्या? यार पुराना लोग जैसा हमारा जैसा लोग अब अभी तो घर में सारा सारा दिन बेचारी घर में ही रही, पाथिया थप पोचो दे घर को काम कर। मैं भी तो पुराने जमाने थे जान, क्या हो गया? अब हमारा सींग निकल गया आगे, क्यों हो गया? अच्छा फरन बाजार जान लग रही है ना, तू ऐसा करी के मेरे वास्ते अंगूर ले आई। मैं ले आऊंगी। हैं ठीक है, ताकि फिर शाम में तो बैठ के खावांगा अंगूर। है थोड़े से पैसे और दे देते, अंगूर भी तो लाना है, फ्रूट और चीजें। मेरे को 5000 रुपए दियो अभी, कल शाम नहीं तो तू किना गई भी कोनी, तो 5000 किना चले गया वो बस ऐसे ही। हां ठीक है, कुछ कोनी, चलो ठीक है। मेरी जेब मुझसे पैसे निकाल के नहीं और अंगूर लिया, ठीक है। और अपनी शॉपिंग कर रही, ज्यादा ना कर गई। शुक्रिया जान, मेहरबानी। हेलो ठीक है। ओहो हाय हाय, ये मुसीबत है यार। औरतों ने कस समझ आएगी, एक लो रेणो के चीज है, कट्ठो रेणो के चीज है। चल भाई जरा अपना काम। ओहो नैना, नैना आई सर। वालेकुम सलाम जनाब, तो तभी ठीक हुई, मूड ठीक हुए? बड़ा अच्छा। वेरी माशाल्लाह, शॉपिंग कर रही? बड़ी अच्छी शॉपिंग हुई आज, आपको पता है बाजार में इतनी सेल लगी हुई थी ब्रांड्स पे। मेरी जेब को सफाई होना और सेल के क्या चीज की आपको नहीं पता, मतलब वो लोग जो वो ब्रांड जो मैं पहनती हूँ वो बस साल में 2 दफा सेल लगाते हैं। जब वो लगाते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि जी सेल लगा दिए, तो मैडम आप आके तो शॉपिंग करते हैं। बड़ी बात है, जिनकी जिस चीज को नहीं बिकल रही बेंगे सेल लाग जाए। नहीं अच्छा, मैं तेरे से अपना भी काम लगायो करेगा को नहीं? हाँ हाँ, आपने अंगूर मंगवाए थे मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अंगूर ले आई हूँ, बस वो थोड़ा सा मतलब अंगूर लाई हूँ। तो कितना किलो मिला? अंगूर तो 500 रुपए किलो था जॉन, फिर तो, वो तो, बहुत महंगा था। गुच्छा जो था ना गुच्छा, वो 500 रुपए किलो। फिर वो उधर दाने पड़े हुए थे टूटे हुए, तो वो 200 रुपए दे रहा था। साफ सुथरे थे, मैंने कहा भी हमने भी तो तोड़ के खाने हैं, चलो भाई टूटे हुए दे दे हमें। मैंने फिर वो ले लिए किलो, 200 रुपए 300 रुपए बचाए मैंने। आप कहते हैं कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ, 300 रुपए बचाए मैंने। मैं चीज ना तू समझिए कि गुच्छा में और दानों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? देख जब इंसान एक गुच्छे की माने दो यानी सारा इकट्ठा हो तो बैग की कीमत 500 रुपये है, वो सोने की कीमत में मिला ला रहे। और एक चीज दानो दानो कर गया है, लेदा लेदा हो गया, तांबा पीतल गया है, बल्कि के लोहे की कीमत में मिला ला रहे 200 रुपया किलो, के किन्ना 500 और किन्ना 200 रुपया। तो ऐ चीज से तू कौन सोचो कि गुच्छे की के कीमत है, कट्ठा रहने की के कीमत है, अलहदा अलहदा हो जाने की के कीमत है? कदा तेरा ख्याल में आया? तू सिर्फ अंगूर मंगाने का मकसद हो समझाणो कि देखो कट्ठा रहने में बड़ी बरकत है, जिन्हें आप दोनों के वास्ते हांडी पकेगी, कोई कहने वास्ते कहीं और मुंह भी रोटी चली जाएगी, तो वह भी एक मुकदरा की बात हुआ। रब मेहमान कह घर भेजे तो आने की रहमत हुआ, तो ऐसी चीज परेशान को नहीं हो करे। कट्ठा रहने में एक एक उंगली रहेगी तो फौरन टूट जाएगी, जब मुक्को बन जाओ तो एक वजनी बन जाए, तो ऐसू बंदो कुछ भी कर सके मुक्का सु। भाई फ्रूट मिल रहा था एक बहुत अच्छा, भाभी फ्रूट मिल रहा था, मैं तो जा भाई वास्ते ले जाऊं, इतना बड़ा मतीरा मतीरा। अरे एक मतीरा एक्टर भी से वो तो नहीं है, लेने लगा था मैं, बोला मेरे भाई का मुंह इतना बड़ा, क्या करूंगा मतीरे का। बड़े लाडले भाई हैं, थैंक यू यार, सो स्वीट, मैं खाना लगाती हूँ। खिचड़ी फैमिली